नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गिदवानी। मेरे चैनल सोनियाज कुकिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाने जा रहे हैं। बहुत ही कम समय में बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए आपको ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ कुछ चीज़ें मिलाकर हम बहुत ही शानदार और रॉयल मिठाई बना सकते हैं। तो हम स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखते हुए बनाएंगे अखरोट की मिठाई। घर में त्यौहार हो या कोई खुशी का पल हो, खुशी के इन पलों को और भी यादगार बनाने के लिए आज हम बनाएंगे अखरोट की बर्फी। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है एक पैन जिसको मीडियम गैस पर रखा है और मैंने इसमें डाले हैं लगभग 5 कप अखरोट। मेजरमेंट से अगर आप चाहें तो मैंने लिए हैं छिले हुए 1/2 किलो अखरोट, जिनको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मीडियम गैस पे। लगभग 6 से 7 मिनट लगेंगे। इसके बाद हम इनको ठंडा करने रख देंगे। जब तक ये ठंडे होते हैं, मैंने लिए एक ट्रे जिसको मैं ग्रीस कर रही हूँ, जिसमें हम इस बर्फी को जमाएंगे, सेट करेंगे। मैंने पार्चमेंट पेपर भी लगाया है, आप बिना इसके भी लगा सकते हैं। मैं पार्चमेंट पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा घी स्प्रेड कर रही हूँ अच्छे से। हमारे अखरोट अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। मैंने एक फूड प्रोसेसर लिया है जिसमें मैं ठंडे हो चुके अपने अखरोट को ग्राइंड करूंगी। मुझे इन अखरोट को बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, हल्का सा इनका क्रंच बना रहे। और अखरोट को पल्स मोड पर हमें ग्राइंड करना है, क्योंकि अगर हम नॉर्मली ग्राइंड करेंगे तो अखरोट अपना तेल छोड़ देंगे। तो नट्स को हमेशा पल्स मोड पर ही ग्राइंड करना चाहिए। हमारे अखरोट अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। मैंने लिया है एक पैन जिसको मैं हल्का सा घी से ग्रीस कर रही हूँ और मैं डाल रही हूँ इसमें लगभग 1/4 कप। मेजरमेंट में 400 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क डाल रही हूँ मैं इसमें। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। अच्छे से कंडेंस्ड मिल्क को गर्म करने के बाद मैं डाल रही हूँ लगभग 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। इसका बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा हमारी बर्फी में। अच्छे से इसको भी मैं स्लो गैस पर मिक्स कर रही हूँ कंडेंस मिल्क के साथ, चारों तरफ घुमाते हुए, साइडों से हटाते हुए मैं मिक्स कर रही हूँ। अगर आप अपने परिवार के लिए कुछ खास बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी परफेक्ट है। मैंने डाला है इसमें लगभग 1/2 टीस्पून इलायची के दाने, आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें लगभग 200 ग्राम ड्राई कोकोनट पाउडर। अगर कप से मेजर करें तो ये लगभग 3 कप ड्राई कोकोनट पाउडर है। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूंगी चारों तरफ से हिलाते हुए। स्लो फ्लेम पर ही मैं इसको मिक्स कर रही हूँ कंटिन्यूसली चलाते हुए। अब जो हमने अखरोट ग्राइंड किए थे, मैं डाल रही हूँ वो अखरोट इसमें। इसको भी मैं अच्छे से दबा दबा कर मिक्स करूंगी कंटिन्यूसली घुमाते हुए। फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए और अच्छे से चारों तरफ से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छे से बाइंड हो जाए सब कुछ। इस मिठाई की 2 खास बात हैं। एक तो ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, 10 मिनट में बन जाती है। इसके अलावा ये नो फेल रेसिपी है, कभी बिगड़ती नहीं, ये हमेशा परफेक्ट बनती है। ये देखिए, अच्छे से हमारा मिक्सचर मिक्स हो चुका है और साइड से पैन को भी छोड़ दिया है। अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे ट्रे में जो हमने ग्रीस करके रखी थी। मैं इस पे लगभग 3/4 मिक्सचर डाल रही हूँ और लगभग 1/4 मिक्सचर मैं बचा रही हूँ। इसके बाद कटोरी से मैं इसको अच्छे से प्रेस करूँगी चारों तरफ से, हर तरफ से इसको लेवल करेंगे हम। स्पैटुला से भी कर रही हूँ मैं, साइड से भी। इसके बाद मैं ले रही हूँ थोड़े से पिस्ते। पिस्तों को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है जिससे मैं इस बर्फी को गार्निश कर रही हूँ। और फिर मैं पिस्तों को भी हल्का सा प्रेस कर दूंगी ताकि वो अंदर तक चले जाएं। ये देखिए, अब मैं इसको ठंडा करने रखूँगी। मैंने ये जो थोड़ा सा मिक्सचर बचाया था उसको मैंने चकले पर ले लिया है, हाथ से घुमा घुमा कर मैं इसको गोल बना रही हूँ आटे की तरह। और उसके बाद मैं इसको ग्रीस किए हुए बेलन से बेल रही हूँ। इस तरह से इससे बन जाएगी अखरोट की कतली। अच्छे से बेल रही हूँ, मैंने लगभग स्क्वायर की शेप देने की कोशिश की है। मैं इसको सिल्वर वर्क से गार्निश कर रही हूँ क्योंकि कतली सिल्वर वर्क से गार्निश की हुई ही अच्छी लगती है। आप दोनों में से जिस तरह चाहें उस तरह गार्निश कर सकते हैं। मैं इस कतली के साइड्स हटा रही हूँ
साइड्स को कट करने के बाद मैं इनको स्क्वायर शेप में कट कर लूँगी। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े शेप में भी कट कर सकते हैं। अब हमारी बर्फ़ी भी ठंडी हो चुकी है, बर्फ़ी को भी हम कट कर लेंगे स्क्वायर शेप में। देखिए कितनी सुंदर मिठाई बनी है घर पे। अरे वाह यम्मी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।